सरस्वती की मूर्ति का रानीघाट में विसर्जन करने जा रहे सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर मिंटो हॉस्टल के कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान छात्रों ने बम फेंके, जिसके बाद अशोक राजपथ पर लालबाग के पास भगदड़ मच गई और इसी बीच छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से फायरिंग, बमबाजी और पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें एक राहगीर को भी गोली लग गई। करीब आधा घंटे तक दर्जनों राउंड गोलियां और बम चले। ये घटना शुक्रवार देर शाम की है। वहीं उपद्रवियों ने कई कार समेत 3-4 बाइक को आग के हवाले कर दिया। सड़क किनारे खड़े दर्जनों ऑटो, बाइक और अन्य वाहनों को तोड़ भी दिया गया। गोली और बम चलने से पटना विश्वविद्यालय के टीओपी प्रभारी दरोगा मनोज कुमार, 3 सिपाही के साथ 4 आम लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद करीब 1 घंटे बाद वज्र वाहन के साथ पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। आपको बता दें कि डीएम कुमार रवि ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है और उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क।